लद्दाख में कोविड 19 के कल हमें 6 रिजल्ट्स मिले हैं और 6 के 6 रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव आए हैं। सारे रिजल्ट कारगिल के हैं। कोविड 19 की स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा करने के लिए जो कोविड 19 के हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अंतर्गत हम लोग एक डेडिकेटेड कोविड 19 हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं और यहीं पर महाबोधि सोसाइटी का हॉस्पिटल है जो कि 50 बेडेड है। उसको कल हम लोगों ने सर्वे किया है और पूरे मानक में वो खरा उतरा है और हम शीघ्र ही ये हॉस्पिटल जो है वो शुरू कर लेंगे। सर अभी कितना टेस्ट का सैंपल आना बाकी है? अभी हमारे 7 सैंपल जो है आने बाकी हैं। कल फ्लाइट जा नहीं पाए तो उसकी वजह से कुछ सैंपल्स अभी यहीं हैं, हम लोग उनको भी भेजेंगे, पर अभी फिलहाल NCDC से जो हमें सैंपल्स आने हैं वो 7 शेष हैं। पहले के मुकाबले में अभी कम सैंपल जा रहा है तो क्या सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है सर? जी, आपको जैसे जानकारी है पूर्व में हमारे जो 13 केसेस थे उसमें से 3 जो है वो टेक्निकली स्वस्थ हो गए हैं, उनको हम लोगों ने डिस्चार्ज भी कर लिया है, पर क्योंकि उन वो लोग बहुत स्वस्थ नहीं थे उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन एक फैसिलिटी में रखा है, बट उनके अंदर अभी भी कोविड 19 के जो वायरस है उसके कोई लक्षण नहीं है। और उसको देखते हुए जो उनके कॉन्टैक्ट केसेस थे उनके भी हम लोगों ने सैंपल्स भेजे थे, क्योंकि अब कोई नए केसेस लद्दाख में नहीं आ रहे हैं तो आने वाले दिनों में सैंपल जो हम लोग भेजेंगे यहाँ से कम होंगे।